टेंथ क्लास में फेल हो गया जो लड़का, लेकिन क्रिकेट नहीं छोड़ा क्योंकि उसकी एक चीज इतनी खतरनाक थी, दुनिया हिला दिया रे। उसी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो बच्चा टेंथ क्लास में फेल हो गया था, उस टेंथ क्लास की किताब में पहला चैप्टर ही सचिन तेंदुलकर का डालना पड़ गया। यह है एक चीज। देखिए, वो कहते हैं हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है, हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले आसमान छू के दिखाना होता है। नहीं दिखती है जैसी कि ये दुनिया है, ये दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नजर जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नजर को बदलना। जो फेल होता है ना वही बता सकता है कि कहां गलतियां ना करें। कभी कभी आपका सबसे खराब खिलाड़ी देश का सबसे अच्छा कोच बन जाता है। क्यों? एवरेज प्लेयर ही बोलते थे बेटा। तो आप सब डटे रहिए, फेलियर से मत भागिए, क्योंकि फेलियर ही आपको सिखाता है और फेलियर ही IAS बनाता है। 20,000 रुपए की नौकरी भी साला लगती है तो इंटरव्यू लिया जाता है उसका। 20,000 रुपए की नौकरी पे रखने के लिए भी मालिक पूछता है कि औकात है इसकी 20,000 रुपए देने की, तभी रखेंगे इसको। हेलो, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नौकरी अगर 1,00,000 रुपए की हो तो सवाल और खतरनाक हो जाते हैं। 5,00,000 की नौकरी के लिए और खतरनाक सवाल दागे जाते हैं। यहाँ तो जिंदगी बदल रही है सर, तो यहाँ पे सवाल दागे जाएंगे कि नहीं? हाँ, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आएगा, ये लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। साइड आउट मोटिवेशन लंबा चलता है, ये अंदर वाला मोटिवेशन होता है आपकी आइडेंटिटी। दोबारा सुनिए, आपकी आइडेंटिटी, अब है कौन? आप एक गरीब आदमी है, वो आइडेंटिटी है। आप एक बहुत बुद्धिमान आदमी है, आइडेंटिटी है। मैं इंग्लिश सीख नहीं पाऊंगा, ये आइडेंटिटी है। इंग्लिश तो मैं ही बोल के दिखाऊंगा, ये भी आइडेंटिटी है। कैसा आइडेंटिटी बिल्ड होता है उसके बनता है आपका बिलीफ सिस्टम। ये बिलीफ क्या है? हाथ पे अगर आप टैटू कर लेते ना टैटू, ये पानी से मिट जाएगा, साबुन से मिट जाएगा। आपके शरीर का टैटू है ना, ये तो सर्जरी करने पे मिट सकता है, लेकिन आपके जो ब्रेन का टैटू है इसको कोई सर्जन भी नहीं मिटा सकता। आपकी नजर का इलाज तो कर देगा डॉक्टर, नजरिए का नहीं कर पाएगा। अगर देश को बदलना है तो यूथ